अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली लेके चलूँगा डिज़ाइन के ऊपर, और आज हम फाइवर का थंबनेल डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर किस किस तरह से हम एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर देखें काफ़ी सारे थंबनेल्स हमारे सामने मौजूद हैं, और हम इस तरह के एक थंबनेल डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद इस तरह का भी एक थंबनेल डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे एक बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट जो इमेज है वो हमारे पास है, या इस तरह का, राइट। तो सबसे पहले हम इस तरह का एक जो है वेबसाइट थंबनेल डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ होम पेज के ऊपर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर मैं लिखूँ फाइवर, तो आई होप यहाँ पर फाइवर थंबनेल का कोई वो मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, फाइबर के जो थंबनेल साइज है वो मुझे पता है, लेट्स से कि हम फाइबर का जो थंबनेल साइज है वो सर्च कर लेते हैं 550x370 है। तो सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ 550x370, और यहाँ पे मैं इसको डिज़ाइन क्रिएट कर देता हूँ। हम चले जाएंगे कैनवेस के ऊपर। तो बेसिकली हमें कुछ इस तरह का कुछ डिज़ाइन करना है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं कैनवेस के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड चाहिए और उसके ऊपर हमें ये सारी सेटिंग्स चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बैकग्राउंड सेट करता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वेबसाइट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कोई वेबसाइट वाला वो नहीं है, हम चलते हैं गूगल पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेबसाइट्स। सिंपल यहाँ पे इमेजेस पे जाऊँगा। इमेजेस पे जाने के बाद यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से हमारे पास ये वाला बैकग्राउंड मौजूद है, या फिर हम ये वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं, राइट। तो इसको मैं क्या कर लूँगा, सेव कर लेता हूँ और वापस चलेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे यहाँ पे। ओके, ये हम यहाँ पे अपलोड करके इसको हम बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इस तरह से सेटअप कर देंगे। इसको मैं मजीद इस तरह से कुछ सेटअप कर दिया मैंने इसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी कम कर सकता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ओपेसिटी है, इसको मैं कुछ इस तरह से थोड़ी कम कर लूँगा। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए एक शेडो है ऊपर की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स में आऊँगा। एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पर मैं एक और जो है वो शेप यहाँ पर मैंने ले ली है, इसको मैं यहाँ पर सेट करूँगा कुछ इस तरह से, और फिर इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं कम कर दूंगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, राइट। तो ये हमारे बैकग्राउंड जो है वो सेटअप हो चुका है बिल्कुल इसी तरह से। अब हमें ये वाला सेक्शन जो है वो डिजाइन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑल शेप्स में आता हूँ। ऑल शेप्स में आने के बाद और यहाँ पे देखें कुछ इस तरह का जो है वो मैं शेप यहाँ से ले लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। अच्छा, इस शेप का मैं जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ जो वो था, ओके। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कुछ इस तरह से, अच्छा ये थोड़ा सा, चले हम ये वाली शेप यूज़ कर लेते हैं, उन्होंने दूसरी शेप यूज़ की हुई थी तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, राइट। चलिए इसको डिलीट करते हैं, सेम उसी तरह की कोई शेप यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास वो शेप रही, राइट। इस शेप को मैं डिलीट कर दूंगा सिंपल यहाँ पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके, और इसको यहाँ पे इस तरह से लाके इसको कुछ इस तरह से मैं सेट कर लूँगा, और इसका जो साइज है वो मैं कुछ इस तरह से बड़ा कर लूँगा। ओके, ये हमारा वो साइज़ हो गया। इसका कलर भी मैं क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ यहाँ से सिंपल कुछ इस तरह से। अब हमें इसके अंदर लगानी है एक इमेज इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ, एक और शेप लेता हूँ, यहाँ से आता हूँ
और यहाँ से अब की बार मैं क्या कर लेता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ। इस सर्कल को मैं इसके अंदर रखता हूँ, इसका मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ सम सॉर्ट ऑफ दिस, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, सेंटर के अंदर रख के। ये मैंने यहाँ पे ये रख दिया, इसको मैं मजीद थोड़ा सा, ओके परफेक्ट, यहाँ पे ये आ चुके। अब इसके अंदर हमें लगानी है एक इमेज। इमेज के लिए हम यहाँ पे ये फ्रेम्स में आए, ठीक है, और यहाँ पे देखें ऑप्शन होगा फ्रेम्स का, ये फ्रेम्स का ऑप्शन रहा, इसको सॉरी हम यहाँ से ये फ्रेम चूज करेंगे और इस फ्रेम को इसके अंदर कुछ इस तरह से सेट करेंगे और इसका साइज जो है वो यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। इसको मैं मजीद थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ओके, ये हमारे पास फ्रेम सेट हो चुका है। अब इसके अंदर मुझे इमेज लगानी है तो मैं सिंपल यहाँ से एक इमेज अपलोड कर लूँगा। लेट्स से यहाँ से मैं ये इमेज अपलोड कर लेता और इस इमेज को ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए इमेज लग चुकी है, इसका साइज मुझे अगर एडजस्ट करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें इसको इस तरह से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो राइट नाउ ये काफ़ी अच्छी लग रही है तो इसी तरह रहने दूंगा। अब हमें क्या करना है, इस लेफ्ट साइड पे कुछ टेक्स्ट चाहिए और यहाँ पे कुछ आइकन्स और बटन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे अगेन शेप्स पे आऊँगा और यहाँ पे हमारे पास ये शेप्स मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे पास ये शेप मौजूद है, इसको मैं यहाँ पे सेट कर लूँगा कुछ इस तरह से और इसको यहाँ पे मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ। इसके ऊपर मुझे क्या करना है, लोगोज रखने हैं। अभी के लिए मैं कोई नया लोगो अपलोड नहीं कर रहा, तो आप अपने लोगोज इस तरह से अपलोड करके उसके ऊपर इस तरह से सेट कर सकते हैं। राइट, मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग कि आपको मैं दिखा सकूँ इस तरह से लोगो एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये लोगो एडजस्ट हो गए। उसके बाद जो ऑप्शन था यहाँ पे वो था टेक्स्ट का, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, टेक्स्ट लिख दूँगा सिंपल। लेट्स से मैं यहाँ से कोई भी बिल्कुल स्ट्रेट एंड वाइट टेक्स्ट ले लूँगा। ओके, लेट्स से ये वाला टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ। अब इसके ऊपर ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसको मुझे डिलीट करना है, मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगा अपने पीसी से और यहाँ पे अगेन डिलीट एंड डिलीट। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डिज़ाइन रीडिज़ाइन, तो मैं यहाँ पे इसको डिज़ाइन रीडिज़ाइन और इसका साइज़ जो है वो मैं छोटा कर दूँगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास इसका साइज जो है वो छोटा हो चुका है और इसके जो कलर है इसका, इस टेक्स्ट का, मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा। ओके, और अगेन फिर मुझे यहाँ पे अगेन एक शेप लेनी है कुछ इस तरह से, और इसको मैं कुछ इस तरह से सेटअप कर दूँगा और इस पर राइट क्लिक करूंगा तो इसको सेंड टू बैक कर दूंगा ताकि ये इसके पीछे चला जाए। मज़ीद एक और बार क्लिक करूंगा सेंड टू बैक, ये इसके भी पीछे चला गया। ओके, एंड अगेन इस पर मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा और इस तरह से यहाँ से वेबसाइट या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, और इसको मैं मज़ीद यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा, इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लूँगा। ओके, यहाँ पे ये यहाँ तक ये हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं चीज़ें। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला बटन सेटअप करना है, तो सिंपल अगेन मैं उसी तरह से शेप लूँगा एक और इसको यहाँ पे सेटअप करूँगा बटन की तरह, या किसी भी तरह का आप बटन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं राउंड बटन बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें ये वाली शेप ले लूँगा और इस शेप को जो है मैं उठा के यहाँ पे रखूँगा और इसकी जो साइज़ है उसको इस तरह से कुछ खींच लूँगा और इसके ऊपर अगेन यही टेक्स्ट को कॉपी करूँगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर ला के इस पर लिख दूँगा ऑर्डर नाउ और इसका जो साइज़ है वो मैं छोटा करके इसको यहाँ पे सेटअप कर दूंगा। राइट,
तो यहाँ पे देखें हमारा सम हाउ वही शेप आ चुकी है। तो ये मैंने एक रैंडम सा और बेसिक सा डिज़ाइन बनाना है जल्दी जल्दी के अंदर, बस आपको एलिमेंट्स का यूज़ करके दिखाया है। इसको मैंने बिल्कुल फुल पॉलिश नहीं किया और बिल्कुल बेसिक सा बनाया है। तो लेट्स से अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखें ये डिज़ाइन भी मैंने कैनवा से ही बनाया है बिल्कुल स्ट्रेट। तो आप इन एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए इस तरह से कुछ अपना डिज़ाइन जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी कि कैनवा पे किस तरह से आप एक थंबनेल फाइवर का या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई है। अल्लाह।